अमेठी जिले में जल निगम विभाग की लापरवाही पड़ रही है भारी। इस समय जिले में हर घर जल योजना के अंतर्गत गांव में जल निगम के द्वारा पाइप डालने का काम चल रहा है। पाइप डालने के बाद विभाग के द्वारा गड्ढे को ठीक से नहीं पाटा जाता है, जिसके चलते आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इन दिनों बारिश का मौसम है, 2 दिनों से मौसम खराब चल रहा है, जिसके कारण गड्ढों में जल भराव होने के कारण काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ताज़ा मामला तिलोई तहसील के भिलाई गांव कला गांव का है, जहां आज सुबह घर से खेत जाते समय नाली में फंसी भैंस, जिसके कारण लोगों में देखी गई नाराजगी। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह से नाली में फंसी भैंस को बाहर निकाला। इधर से आवागमन करने वाले लोगों को इस समय खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ जहां रास्ता पूरी तरह से बाधित हो गया है, वहीं दूसरी तरफ लोगों के साइकिल और मोटरसाइकिल नाली में घुसने का खतरा बना हुआ है। मैं मोहम्मद अशरफ, पठान प्रणाली भिलाई का। हमारे ग्राम सभा में जल निगम का काम तेजी से चल रहा है, तो उसमें नालियां जो खुदाई गई हैं पाइप डालने के बाद मट्टी से पाट दिया गया था, तो जब बरसात हुई पानी, तो कल बरसात हुई तो आज सुबह भैंस में गिर के फंस गई। जब फंस गई तो हमें सूचना मिला, तो हमने ग्रुप द्वारा जल निगम के कुछ अधिकारियों को सूचित किया, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द ठीक भैंस सही से निकाल दी गई। कौन सा गाँव से है? भिलाई कला। क्या मामला हुआ है आपके? जौन वो मामला रहा, जो वाला खोदे रहे, पाइप वाला खोदे रहे, पानी निगम वाला, हाँ, उसी में हमारा भैंस फंस गई है। अच्छा, तो कैसे निकली है? निकली 5-6 जने रहे, तो उसको निखारा है। जल निगम की जो पाइप लाइन खोदी गई थी नाली, हाँ, वो क्या पाटी नहीं गई थी? क्या पाटी नहीं गई रही, पानी बरसा तो वो गहर हो गई है। तो इससे क्या दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कत आ रही है, जानवर को ले जाते हैं तो फंस जाती है, तो हम लोग पाटते हैं। अच्छा, तो क्या आने जाने में भी दिक्कत होती है? हाँ, दिक्कत होती है, आप देख लीजिए। क्या चाहते हैं आप? अरे उसको शुद्ध बनावे चाहे। अच्छा, 50,000 भैंस रही तो मर जाते, 5-6 जने ना रही तो। बारिश हुए के पहले बना देते ठीक रहा, आप देख लीजिए।